नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारा पीसी कंप्यूटर का इथरनेट पोर्ट ख़राब हो गया है, अगर हम डायरेक्ट केबल उसके अंदर इंटरनेट के लिए वापर नहीं सकते, या तो फिर हम जैसे लैपटॉप वाईफाई से अटैच कर सकते, हमारे मोबाइल के नेट से अटैच कर सकते, वैसा अगर हम हमारे पीसी को, डेस्कटॉप पीसी को, कंप्यूटर को अगर अटैच करना चाहें तो वो मुमकिन है। और उसके लिए हमें यूएसबी वाईफाई अडेप्टर अगर लगा देंगे तो हमें ये सब करने के लिए और इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हम आसानी हो जाती है। तो इसके फ़ायदे देखो, इट गिव्स द रिलीफ फ्रॉम इंस्टॉलिंग इंटरनल हार्डवेयर, यानी ये जो हम यूएसबी अडेप्टर है ये अगर हम लगा लेते हैं तो इंटरनल हार्डवेयर इंस्टॉल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह इट मेक्स यूअर कंप्यूटर फ्री फ्रॉम केबल, यानी केबल की भी कोई आवश्यकता नहीं रहता है, हमारा जो पीसी है, कंप्यूटर है, वो केबल फ्री हो जाएगा। और उसी के साथ में अलाउज यू टू यूज़ मल्टीपल डिवाइसेस, हम इंटरनेट के जो मल्टीपल, जैसे वाईफाई है या तो फिर हमारा जो कोई मोबाइल्स का नेट हम पीसी से जॉइंट कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम इसको कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मार्केट में ये बहुत सारे वाईफाई रिसीवर्स अवेलेबल है, 180 रुपये से लेके तो 400-450 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो इस्तेमाल करते हूँ वो आईबॉल का यूएसबी मिनी यूएसबी अडेप्टर ये यूज़ कर रहा हूँ, एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी इसमें मुझे सर्विस मिल रही है। जब भी मेरे इंटरनेट का केबल नेट अगर मतलब इन्हें नहीं मिलता है तब मैं फिर अपने जो मोबाइल का है उसके वो नेट से मेरा पीसी कनेक्ट करता हूँ। आजकल मोबाइल का जो इंटरनेट है बहुत अच्छी स्पीड है, 4G स्पीड होने की वजह से बहुत अच्छा मतलब इन्हें चलता है। अब वो डिपेंड्स करता है आपके एरिया में कौन से कंपनी का नेट, जो मोबाइल नेट है वो कितना फास्ट चलता है, उसके मुताबिक अगर आप ये मोबाइल नेट भी अगर इस्तेमाल करें तो आपको ऑनलाइन के जो काम करने वाले उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, तो ये आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने डिवाइस परचेस किया था उसके साथ में जो सीडी आई थी, तो वो सीडी मैंने यहाँ पे देखो उसके अंदर एक सेटअप फाइल है। तो ये सेटअप फाइल के ऊपर हम अगर ओपन करेंगे तो हमारा ये जो एप्लीकेशन है, ये जो यूएसबी है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आपके पास में सीडी नहीं है तो आप ऑनलाइन ड्राइवर्स भी ये इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं, देखो ये मेरा जो अभी है फ़िलहाल डिजिटल बनो से कनेक्ट है, और उसके साथ में फिर नीचे ओप्पो का भी ऑप्शन आ रहा है, अभय का आ रहा है, अदर नेटवर्क। तो अभी चलो देख लेते हैं अभी ये डिजिटल बनो के अंदर नेट कैसे काम कर रहा है। अभी फ़िलहाल में ये डिजिटल बनो के नेट के ऊपर काम कर रहा है, तो देखो यहाँ पे ये नेट काम कर रहा है। तो अभी देख लेते हैं हम इसका नेट बंद करने के बाद में दूसरा जो हमारा नेट कनेक्शन है, तो डिजिटल बनो को हम डिसकनेक्ट करते हैं और उसके बाद में मैं अपना मोबाइल का जो नेट है वाईफाई का, मोबाइल का हॉटस्पॉट, उसको ऑन करता हूँ। अभी मैंने मेरे मोबाइल का नेट चालू किया है, देखो ये मेरा ओप्पो का डिवाइस है और इसको अभी मैं कनेक्ट करता हूँ, ये कनेक्ट हो रहा है। अभी देख लेते हैं इसके ऊपर नेट कैसा चलता है। आजकल मोबाइल के अंदर 4G इंटरनेट होने की वजह से अच्छा खासा स्पीड इसके अंदर मिल जाता है। तो ये देखो, ये अभी मेरे मोबाइल का जो नेट है उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसकी स्पीड भी अच्छे से मिलती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम जो है हमारे मोबाइल का या जो भी वाईफाई है मल्टीपल डिवाइस हम इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको ऑनलाइन काम करना रहता है, जिसको हमेशा ऑनलाइन को का ही काम करना रहता है। अगर कभी किसी वाईफाई का नेट नहीं है तो हम उसके लिए अल्टरनेटिव
कोई दूसरा मतलब है ना वाईफाई यूज कर सकते हैं, या तो फिर हमारा जो मोबाइल का वाईफाई है हॉटस्पॉट है वो भी हम हमारे इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी ये USB अडाप्टर है, इसका इस्तेमाल मैं 1 साल से कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।